स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चन बैंक। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को लड्डू गोपाल जी के लिए एक बहुत ही सुंदर सा जन्माष्टमी स्पेशल झूला बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस झूले के लिए हमें सबसे पहले कार्डबोर्ड लेना है और उसको इस तरीके की रेक्टेंगल की शेप में कट करना है। अब इसके बाद हमें फोम भी इस तरीके का लेना है जो इसके ऊपर अच्छे से फिट आ जाए। एंड अब मैंने यहाँ पे साटन क्लोथ लिया है जिसकी मदद से मैं इसको अच्छे से कवर कर दूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको क्लोथ से कवर कर लिया है। पीछे मैंने फिनिशिंग के लिए एक इस तरीके का थिन कार्डबोर्ड लगाया है और ये हमारा बेस तैयार है। अब मेरे पास यहाँ पे एक लेस है हैंगिंग में, ये बहुत ही सुंदर लेस है, इसको मैं झूले के कोनों पर लगाऊंगी। तो अब मैं अपनी लेस लगाऊंगी, उसके लिए मैं इसके इन हिस्सों पर अच्छे से ग्लू गन लगाऊंगी। उसके बाद जो मेरी लेस है मैं उसको यहाँ पर स्टिक करना शुरू करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी हैंगिंग वाली लेस जो है वो अच्छे से लगा ली है। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है हमारा बेस। आप झूले के जो बेस है उसके कॉर्नर पे लगाने के लिए हैंगिंग लेस का ही यूज़ करें, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिया एल्यूमिनियम फॉइल का रोल। इसके ऊपर आपको क्या करना है, लेसेस लेनी है डिफरेंट डिफरेंट एंड उनको इसके ऊपर लपेट देना है। तो देखिए इस रोल के कवरिंग के लिए मैंने 2 लेसेस का यूज़ किया है। बीच में मैंने ये लगाई है, साइड में मेरे पास एक मिरर वाली लेस थी जिसमें स्क्वायर मिरर्स लगे हुए थे वो मैंने लगाई है। अब मेरे पास यहाँ पे गोल्डन पतली लेस है तो इसको हमें इस तरीके से अंदर की तरफ से अटैच करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ इस रोल में डाल के। सबसे पहले तो इस लेस को हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको जितना इसकी हाइट लेनी है उतना आप ले लीजिए। यहाँ से जहाँ से भी आप नॉट टाई कर रहे हैं उस हिस्से को आप इसके अंदर की तरफ रखें। तो देखिए लेसेस पेस्ट करने के बाद एक लेस को इसके अंदर से अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक गोल्डन कलर की लेस ली है, इसके मैंने 2 पीस कट किए हैं, दोनों हमने एकदम इक्वल पीसेस कट किए हैं। तो आप एकदम ध्यान से देखिए झूला कैसे अटैच करना है। लेस जो है मैंने इस रोल के ऊपर से डाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं यहाँ से लेके जाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने लाइन मार्क की है स्केच पेन से, उसके हिसाब से मैं इन लेसेस को पेस्ट करूँगी तो ये ऐसे बन जाएगा। इसी तरीके से इस साइड पे भी करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी जो लेस थी वो एकदम अच्छे से अटैच कर ली है। ये हमारा झूला अच्छे से हैंग हो रहा है। अब हमें इसकी डेकोरेशन करनी है। तो देखिए अब मैंने क्या किया है, मैंने एल्यूमिनियम फॉइल को इस तरीके से कट किया है, इनको मैंने इसके कॉर्नर्स के हिसाब से कट किया है। तो देखिए ये जो मेरे रोल थे इनको मैंने एक लेस की मदद से कवर किया है और उसके बाद ये मैंने एक रोल और तैयार किया था, ये मैंने इसके हिसाब से तैयार किया था। इसको मैंने ग्रीन कलर एंड येलो कलर के साटन रिबन से कवर किया है। तो अब मैं ग्लू गन की हेल्प से इन रोल्स को पेस्ट करूँगी। देखिए इस तरीके से ग्लू गन लगानी है यहाँ पे इन रोल्स को पेस्ट करना है इस तरीके से। तो अब इसके डेकोरेशन के लिए मैंने गोटा फ्लावर के ऊपर इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फोम फ्लावर्स लगाए हैं जिनको मैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर पेस्ट कर दूंगी, लाइक पहले यहाँ पे। तो अब जो ये हमारा यहाँ से होल दिख रहा है इसकी जगह पर मैं ग्लू गन लगाऊंगी एंड उसके बाद मैं अपना गोटा फ्लावर इस तरीके से पेस्ट करूँगी। तो देखिए मैंने इसकी डेकोरेशन कर दी है फोम फ्लावर्स की हेल्प से। यहाँ पे मैंने इसके इन पोर्शंस पे भी लगाए हैं, जो ये रॉड था उसको भी मैंने डेकोरेट किया है और जो ये हमारा बेस है इसको भी मैंने अच्छे से डेकोरेट किया है। अब एज ये कान्हा जी का झूला है तो और हैवी होना चाहिए, इसलिए मेरे पास इस तरीके की हैवी वर्क लेस थी जिसको मैंने कट कर लिया इसके हिसाब से पहले से ही। एंड अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा बेस था उसके बीचों बीच जो नीचे का हिस्सा था वहाँ से मैंने एक लेस कनेक्ट की है ताकि हम कान्हा जी को झुला सकें और उसके कोने पे मैंने गोटा फ्लावर और उसके ऊपर पॉम पॉम पेस्ट किया है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये झूला बहुत सुंदर लगा होगा। झूला सुंदर लगा है तो एक लाइक तो आप दे सकते हो, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, इसे शेयर करना ताकि वो भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरीके का सुंदर सा झूला बना सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। तो देखिए मैंने अपने झूले को हैंग भी कर लिया है, आप भी इस तरीके से अपने झूले को हैंग कर सकते हो।
बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। तो ये हो गया है बिल्कुल तैयार हमारे कान्हा जी का जन्माष्टमी स्पेशल झूला। जन्माष्टमी को कान्हा जी बड़े मज़े से इसके ऊपर झूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।